अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उमैर अहमद ख़ान और आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 को थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था। आज हम इसकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि एरे बेसिकली काम किस तरह से करता है। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है सेकेंड ईयर की बुक का, एरेज एंड स्ट्रिंग, और उसके अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं एरे की डेफिनेशन। सो हम लोग लिखते हैं कि एरे जो है वो क्या चीज़ होती है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है कंजक्टिव मेमोरी लोकेशंस, यानी कि एक साथ मेमोरी लोकेशन। फॉर एग्जांपल के लेट सपोज हमारे पास अगर आपने एक वेरिएबल लिया है इंट ए इंट बी, ठीक है, तो मेमोरी में क्या करेगा कि मेमोरी में वो कोई स्पेस खाली करवाएगा, इंट उसका नाम रखेगा ए, ठीक है। लेट सपोज इसका एड्रेस है 10025 और दूसरे नंबर पे वो एक और लोकेशन खाली करेगा, इसकी भी डाटा टाइप इंट है, वेरिएबल का नाम बी है और ये कौन से एड्रेस पे पड़ा हुआ है 3497, ठीक है। तो ये रैम के अंदर सेव होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसको जहाँ पर भी खाली स्पेस मिलती है वो क्या करता है, वो वहाँ पर ये वेरिएबल जो है वो आपका स्टोर करवा देता है। लेकिन जब हम एरे की बात करते हैं तो एरे में ऐसा नहीं होता। एरे में क्या करेगा, एरे क्या करता है कि एक सिंगल वेरिएबल होता है, उसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज़ जो है वो सेव करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मल्टीपल वैल्यूज़ जो आप स्टोर करवाएंगे वो एक सिंगल डाटा टाइप की, यानी कि जो आप लोग अगर इंटीजर की एरे है तो उसके अंदर जो सारा डाटा होगा वो सिर्फ इंटीजर का ही होगा। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि यहाँ पर देखें आपके पास कंटिन्यूस मेमोरी स्पेसेस नहीं होती, यहाँ पर आपके पास कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस होती हैं, ठीक है। ये आपके पास एक साथ जो है वो मेमोरी लोकेशन होती है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो ये कहते हैं कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन विद द सेम नेम एंड डेटा टाइप, यानी कि ये एक सिंगल वेरिएबल जो है वो आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकता है हैविंग सेम डाटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंटिन्यूस भी लिख सकते हैं और ये वाला वर्ड भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी होती है एरे के अंदर, उसको डिस्कस कर लेते हैं, वो है हमारे पास एलिमेंट, ठीक है। अब एलिमेंट क्या चीज़ होती है, हम ये कहते हैं कि ईच मेमोरी लोकेशन इन एन एरे इज़ कॉल्ड एलिमेंट, ठीक है। फिर हमारे पास होता है साइज़, सो हम ये कहते हैं द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन एरे इज़ कॉल्ड लेंथ और साइज़, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास होता है इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स बेसिकली क्या चीज़ होती है, हम किसी भी एरे के अंदर कोई भी वैल्यू को हम यूज़ करना चाह रहे हैं या फिर हम उस वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं इंडेक्स। सो हम ये कहते हैं कि ईच एलिमेंट इन एन एरे इज़ असेस्ड बाय इट्स पोजीशन और लोकेशन इज़ कॉल्ड इंडेक्स, ठीक है। अब इस सारी चीज़ को हम एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। लेट सपोज़ के हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। अब एग्जांपल में हम लोग लिखते हैं इंट मार्क्स 5, ठीक है। सो ये हम लोगों ने एक एरे जो है वो डिस्प्ले करवा। अब यहाँ पर ये क्या चीज़ हो गई, इसमें दिस इज़ योर डेटा टाइप, ठीक है जी। ये आपके पास क्या है, एरे नेम, ठीक है। ये आपके पास क्या चीज़ है, दिस इज़ योर साइज, इसको लेंथ भी कहते हैं जी। और ये आपके पास क्या चीज़ें हैं, एलिमेंट्स, ठीक हो गया। अब इसको मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास दिस इज़ योर फर्स्ट लोकेशन, सेकंड लोकेशन, थर्ड लोकेशन, फोर्थ लोकेशन एंड फिफ्थ लोकेशन, ठीक है। डेटा टाइप इनकी क्या है, इंटीजर, ठीक है। यानी कि इसमें ये जो एरे आप लोगों ने बनाई है इसके अंदर जो है वो सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप के ही वेरिएबल को स्टोर करवाया जा सकता है। ऐसा नहीं होता कि आप लोग जो है वो एक एरे डिक्लेयर करवाइए उसके अंदर 3.4, 9.6 इस तरह से जो है वो एरे काम नहीं करता, ठीक है। एरे क्या हुआ है कि एक ही सिंगल आपके पास जो डेटा टाइप है उसी का वेरिएबल को लेके चलते हैं। अब नाम इसका एक ही होगा, फॉर एग्जांपल मार्क्स, ठीक है, दिस इज़ योर नेम, नेम ऑफ एन एरे, दिस इज़ योर डेटा टाइप, और यहाँ पर देखें यहाँ पर एलिमेंट है 3, 9, 4, 2, 6। अब हमने बात की है कंजक्टिव मेमोरी लोकेशंस की, या फिर आप कहते हैं कि कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन की। लेट सपोज कि इसका एड्रेस है आपके पास 1001, इसका होगा 1002, इसका होगा 1003, इसका होगा 1004, इसका होगा 1005, ठीक है। अब यहाँ पर देखें यहाँ पर इसका इंडेक्स क्या चीज़ है।
सो दिस इज़ योर इंडेक्स, लेट सपोज मार्क्स 0, दिस इज मार्क्स 1, दिस इज मार्क्स 2, एंड दिस इज मार्क्स 3, एंड दिस इज मार्क्स 4, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें, ये आपके पास इंडेक्स है, इंडेक्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, सो हम यहाँ पर लिख देते हैं, नोट कि इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक है, और कहाँ तक चलता है, टिल लेंथ और साइज माइनस 1। लेट सपोज इसका साइज आपके पास क्या है या इसकी लेंथ क्या है, आपके पास 5, और इसकी लास्ट लोकेशन आपके पास क्या आ रही है, 4, यानी कि 5 माइनस 1 4। अब इंडेक्स का फ़ायदा क्या होता है, लेट सपोज हम लोगों ने फॉर एग्जांपल लिखा है सी आउट, हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है सी आउट, और यहाँ पर हम लोगों ने करवाया है मार्क्स 3। सो हमारे पास जो आउटपुट में आएगी, जो चीज़ आएगी वो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले आ जाएगा 2, जो कि इस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली जो इंडेक्स है वो हमारे पास वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो इंडेक्स है वो यहाँ पर किस लिए यूज़ कराने के लिए, जो भी हम मेमोरी लोकेशन को जिस एलिमेंट पे हम लोगों ने ऑपरेशंस परफॉर्म करना है उस चीज़ को हम यहाँ पर शो करवाते हैं। और ये हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगी, ये जो वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स, ठीक है जी। अब इसके ये तो था एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू जिसके थ्रू आपको पता लग गया कि इस तरह एरे होती है और मेमोरी में इस तरह से सेव होती है। अगर ये नॉर्मल वेरिएबल होता तो वहाँ पर हमारे पास जो है वो थोड़ा सा और डिफरेंट तरीका होता, उसमें ये फिर जो मेमोरी लोकेशंस हैं वो डिफरेंट होती। तो एरे यूज़ करने के कौन से बेनिफिट्स होते हैं, तो एडवांटेजेस की तरफ आते हैं कि हमारे पास एरे को यूज़ करने के हमारे पास एडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है जी। सबसे पहला एडवांटेज जो हमारे पास एरे यूज़ करने से हमें मिलता है, सो हम ये कहते हैं कि एरे जो है वो एक सिंगल वेरिएबल के अंदर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कराने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। दोबारा से सुन लें कि हमारे पास एरे क्या चीज़ होती है, एक सिंगल वेरिएबल को, ठीक है, एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ जिनकी डाटा टाइप सेम हो वो हम सिर्फ सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं एरे कैन स्टोर अ लार्ज नंबर ऑफ डेटा इन सिंगल वेरिएबल, ठीक है जी। यानी कि हमारे पास अगर हम लोग देखें, अगर हम लोगों के पास 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनका हमें कोई डाटा सेव करवाना है, या हमारे पास 50 स्टूडेंट हैं उनका हमें अगर डाटा सेव करवाना है तो आपको लोगों को अलग-अलग से वेरिएबल नहीं लेना पड़ेगा। जिस तरह से हमने प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस किया कि इंट मार्क्स और यहाँ पर हमने लिखा 50, सो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके लिए कितनी लोकेशंस बना के दे देगा, आपको 50 डिफरेंट लोकेशंस जो हैं वो आपको बना के दे देगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो इसका बेनिफिट है कि इन एरे वी कैन अप्लाई सॉर्टिंग ईजीली, ठीक है जी, कि हम बड़ी आसानी से सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपके पास एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं और उसको आप सॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहें, ठीक है, स्ट्रिंग्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है, इंटीजर्स को जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस पर जो है वो ऑपरेशन थर्ड नंबर भी अगर हम आएँ तो हम ये कहते हैं We can apply different operations easily, quickly, as compared to normal variable. कि हम लोग क्या करते हैं कि different operations जो कि हम variables पे apply करते हैं यहाँ पर वो apply करना ज़्यादा easy जो है वो हमारे लिए हो जाता है, ठीक है। इसका जो last हमारे पास benefit होता है कि इसकी वजह से आप लोगों का size जो है, जो program का size है वो कम हो जाता है। हम ये कहते हैं द साइज ऑफ द प्रोग्राम विल बी रिड्यूस, ठीक है जी, कि हमारे पास जो प्रोग्राम का साइज है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर कि ये हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास एरे है
वो कितनी टाइप्स की होती है, ठीक है। सो हमारे पास बेसिकली तो दो टाइप्स की एरेज होती हैं, उसको डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन सी होती हैं। सो हम आ जाते हैं टाइप्स के ऊपर। सो हमारे पास दो टाइप्स की एरे होती हैं, एक हमारे पास होती है वन डायमेंशन एरे और दूसरी हमारे पास होती है टू डायमेंशनल एरे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास तीसरी भी एक और टाइप होती है, इसके अकॉर्डिंगली जो कि हम इस कोर्स में स्टडी नहीं करेंगे, वो होता है मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है जी। अब जब हम बात करते हैं वन डायमेंशनल एरे की, सो हम ये कहते हैं कि वन डायमेंशनल के अंदर हम लोग सिर्फ काम कर रहे होते हैं सिंगल लिस्ट के ऊपर, वर्क विथ सिंगल लिस्ट, ठीक है। इट कैन बी, इसको हम लीनियर लिस्ट भी कहते हैं, और ये हमारे पास या तो रोज होंगी सिंगल रो, या फिर हमारे पास होगा सिंगल कॉलम होगा। इसके बाद होता है हमारे पास टू डायमेंशनल एरे, तो टू डायमेंशनल एरे को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि टू डायमेंशनल एरे बेसिकली डिक्लेयर किस तरह से की जाती है और इसका बेनिफिट किस तरह से होता है, ठीक है। सो अभी हम इसको इस लेक्चर के अंदर छोड़ देंगे, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। वैसे इसकी डेफिनेशन में अगर जाएं तो यहाँ पर सिंगल रो और सिंगल कॉलम होता है, और यहाँ पर आपके पास एक मैट्रिसेस फॉर्म में आ जाता है जिसमें रोज़ और कॉलम जो है वो हमारे पास आ जाएँ। जिस तरह टू रोज़ और टू कॉलम्स आ गए तो ये टू डायमेंशनल एरे है, अगर आपके पास सिंगल रो है या फिर आपके पास सिंगल कॉलम है तो वो आपके पास जो है वो वन डायमेंशनल एरे में आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि बेसिकली एरे को डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है, ठीक है, और एरे को यूज़ किस तरह से करते हैं। एरे को बेसिकली तो हम यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं तीन एलिमेंट्स की एक एरे लूँगा ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए इस कोर्स के अंदर कि बेसिकली एरे किस तरह से यूज़ करते हैं और उसका बेसिक पर्पज़ किस तरह से हम लेके चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग दो चीज़ों को सीखेंगे। द फर्स्ट वन एरे डिक्लेरेशन, कि एरे को डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है। देखिए नॉर्मल वेरिएबल को अगर हम डिस्कस करते हैं तो हम ये कहते हैं इंट ए, ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल की डिक्लेरेशन है। लेकिन अगर हम बात करें एरे की, सो हम लिखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले उसके सिंटैक्स को समझ लें। सो हम ये कहते हैं डेटा टाइप, फिर साथ लिखते हैं हम नेम दिस ब्रैकेट और देन हम लोग साइज, या फिर हम इसको लेंथ भी कह सकते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल इसकी क्या हो जाएगी, int a 5, ठीक है, यानी कि मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कराओ a और उसके कितने इंडेक्सेस बना दो 5, और इंडेक्सेस स्टार्ट कहाँ से होंगे, 0 से लेके 4 तक, ठीक है, जो हमने प्रीवियस अभी कुछ डेफिनेशंस में उसको क्लियर किया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक और टर्मिनोलॉजी की जिसको हम कहते हैं एरे इनिशियलाइजेशन। सो हम ये कहते हैं इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द डेटा टाइप विद इट्स एलिमेंट्स, ठीक है, या फिर हम ये कहते हैं इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वैल्यू टू द एलिमेंट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड एरे इनिशियलाइजेशन। सो इसकी अगर हम सिंटैक्स पे आएँ, सो सिंटैक्स हमें कहता है डेटा टाइप एरे नेम साइज और देन इक्वल्स टू, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर, ब्रैकेट्स एंड वैल्यूज एंड ईच वैल्यू इज सेपरेटेड बाय द कॉमा, ठीक है। दूसरा वे इसका ऐसे भी हो सकता है, नेम इसको खाली छोड़ दें और यहाँ पर आपके पास वैल्यूज, से दोनों तरीके से आपके पास काम करेगा। इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंट ए 5 4 3 6 2 1, ठीक है, वही काम हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं int a इज इक्वल्स टू 4 3 6 2 1। सो हमारे पास क्या हुआ, ये सेम तरीके के साथ आप लोगों के पास काम करेगा, इसमें कोई एरर जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने इस प्रोग्राम की तरफ कि इस प्रोग्राम में जो है वो किस तरह से हम लोग काम करेंगे। सो हम आते हैं प्रोग्राम के ऊपर। अच्छा जी, अब समझते हैं इस प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम की तरफ आते हैं और थोड़ा सा एरे को समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम एरे को डिक्लेयर करवाएंगे, उसके बाद फिर हम इनिशियलाइजेशन को देखेंगे कि वो किस तरह से काम करती है। लेट सपोज हमने लिखा है इंट ए और इसके अंदर हम लोगों ने लेट सपोज तीन एलिमेंट्स लिए हैं, और हमने प्रोग्राम के अंदर भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ए 0 इज इक्वल्स टू 3, ए 1 इज इक्वल्स टू 4, ए 2 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है।
इससे हुआ क्या हमारे पास, अगर हम मेमोरी में जाएं, सो हमारे पास मेमोरी में तीन लोकेशन कंजेक्टिव 1001, 1002 एंड 1003 लोकेशन जो है वो हमारे पास खाली हो गई हैं। इंटीजर डेटा टाइप का डाटा इसके अंदर आएगा, वेरिएबल का नाम है ए, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास होगा A1, A0, A1 और A2, और जो इसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो आपके पास हैं 3, 4 और 6, ठीक है। सो आप इनको सी आउट करवा सकते हैं ए ऑफ 0, और यहाँ पर आप एंडल को यूज़ कर लें, सी आउट ए ऑफ 1 एंडल, सी आउट बी, सी आउट ए 2 एंडल। सो आपके पास क्या हुआ, अब यहाँ पर जो आउटपुट आएगी हमारे पास वो कुछ इस तरह से आएगी 3, 4 और 6, ठीक है जी। अब अगर यही काम हम इनिशियलाइजेशन के ऊपर करें, सो हम ये काम सारा इनिशियलाइजेशन के साथ भी कर सकते हैं। लेट सपोज हम ये कहते हैं इज इक्वल्स टू 3, 4 और 6, ये सेम जो है वो हमारे पास आउटपुट आएगी। अगर ये वाला काम आप नॉर्मल वेरिएबल से करते तो यहाँ पर क्या चीज़ आ जाती, इंट ए बी सी, और आप लिखते ए इज इक्वल्स टू 3, बी इज इक्वल्स टू 4, सी इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर 20 वेरिएबल्स होते तो आपके पास यहाँ पर जो है वो वेरिएबल जो है उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ए बी सी डी। उसकी बनिस्बत जो हमारे पास ये वाला जो तरीकाकार है, जो हमारे पास एरे का जो तरीकाकार है, वो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वेरिएबल जो है वो आसान है, ठीक है, उसको हम लेके चल सकते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं एक और, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एरे को एरे की 50 एलिमेंट्स जो हैं वो हम डिक्लेयर करवाते हैं। लेट सपोज हम 5 एलिमेंट्स को डिक्लेयर करवाते हैं, 5 की जगह आप 50 भी कर लें तो वो एक ही टाइम पे आप लोगों के पास कर देगा। हम लोग लूप को यूज़ करते हैं, यूजली जब भी हम एरे के साथ काम कर रहे होते हैं हम लोग लूप को यूज़ करते हैं। तो चले देखते हैं लूप किस तरह से काम करता है, ठीक है, और एरे के 5 एलिमेंट्स के साथ वो किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करा देता है। लेट सपोज हमने 5 एलिमेंट्स यूज़र से लेने हैं, ठीक है, और उनका सम जो है वो हमें शो करवाना है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, लेट सपोज एरे को सबसे पहले डिक्लेयर करवाएंगे इंट ए, और इसके अंदर 5 एलिमेंट्स। एक और हम वेरिएबल लेते हैं इंट आई, अब आई जो है वो हमने लूप के लिए लिया है, और एक और वेरिएबल इसके साथ ही हम लोग लेंगे जिसमें हम सम करवाएंगे, जितनी भी एरे के एलिमेंट्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनका हम सम करवाएंगे। ये सबसे छोटा प्रोग्राम है इसमें, ठीक है, और सम को हम लोग जीरो से इनिशियलाइज करवाएंगे। हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसमें भी पढ़ा है कि जो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर हम जो वेरिएबल होता है उसको हम 1 से इनिशियलाइज करवाते हैं, और जो सम के कोई क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर हम 0 से इनिशियलाइज करवाते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ होती है उसके अंदर जब 0 सम होता है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। सो फॉर एग्जांपल अब हमने यूज़र से लेनी है 5 एलिमेंट्स। सो पहला तरीका तो है कि हम लोग लिखेंगे सी आउट इंटर वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कहेंगे सी ए ए 0, ठीक है। इसी तरह सी आउट इंटर वैल्यू सी एन ए ऑफ 1, एंड इसी तरह 5 तक जो है वो हम चलेंगे, और अगर 50 एलिमेंट्स हो गए तो फिर ये जो है वो हमारे पास क्राइटेरिया जो है वो लेंथी हो जाता है। ये फिर इसी तरह से काम कर रहे हैं हम लोग जिस तरह हम नॉर्मल वेरिएबल से काम करते हैं, तो फिर एरे यूज़ करने का फ़ायदा नहीं है। एरे को जब भी हम यूज़ करेंगे तो हम लोग लूप के ऊपर आएंगे, क्योंकि लूप जब हम लूप यूज़ करते हैं तो फिर ये बड़ा आसान हो जाता है इसकी ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। सो हम यहाँ पर लूप यूज़ करेंगे वैल्यू यूज़र से लेने के लिए। सो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर, अब हमें पता है कि एरे का जो इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई इज इक्वल्स टू 0, और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 5, तो एरे का कहाँ तक चलेगा, आई इज़ लेस देन 5, क्योंकि 4 एलिमेंट्स तक हम लोगों ने जाना है, 4 इंडेक्स तक हमने जाना है। हम यहाँ पर लिखेंगे आई प्लस प्लस, अब हम यहाँ पर एक ही दफ़ा लिखेंगे सी आउट इंटर वैल्यू, और यहाँ पर हम लिखेंगे सी इन ए ऑफ आई, ठीक है। अब इतना कोड लिखा है और उसकी थोड़ी सी हम ड्राई रन करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर देखें दिस इज़ योर आउटपुट, और आउटपुट के अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आती है इंटर वैल्यू, लेट सपोज हमने लिखा उसके अंदर 3, तो ए ऑफ आई, ए ऑफ आई का मतलब क्या है कि मेमोरी लोकेशन देखें 1, 2, 3, 4, 5 इंट ए नाम है इसका जो थ्रू आउट चलेगा। दिस इज़ 0 लोकेशन 1, 2, 3 एंड 4 लोकेशन, एंड दिस इज़ योर एड्रेस 1001, 1002 एंड 1003, 1004
एंड इसी तरह से 1005। सो हमारे पास एड्रेसेस हैं, ठीक है, जो कि कंटिन्यूस एड्रेसेस हैं। अब देखें यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है इंटर द वैल्यू। हमने जब 5 लिखा, ए ऑफ आई, आई की फर्स्ट वैल्यू थी आपके पास 0, तो आपके पास जो 3 है वो यहाँ पर सेव हो गया। इसी तरह दोबारा से लूप चलेगा, सो हम लोग लिखेंगे इंटर वैल्यू और यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 2। सो फॉर एग्जांपल ये 2 आपके पास यहाँ पर आ गया, इसने फिर कहा इंटर वैल्यू, हमने लिखा 2, सो वो 2 भी यहाँ पर आ गया। अब आप देख रहे हैं कि आई कब तक चलेगा, 4 तक। सो हमारे पास 0 टाइम्स, दिस इज 0 टाइम्स, 1 टाइम्स, यानी कि आई की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 4। सो हमारे पास कितनी दफ़ा चलेगा, इंटर वैल्यू, इंटर वैल्यू 1 1। सो इसने यहाँ पर 1 और इसी तरह यहाँ पर 1 ले लिया। हमने साथ इसी लूप के अंदर एक और काम भी करवा देते हैं। हम लोग ये कह देते हैं सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ आई, ठीक है, इसको भी साथ साथ अब हम चलाएंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखें, सम था, अब सम के अंदर सबसे पहली वैल्यू क्या थी, 0। सो 0 प्लस इस केस के लिए, ठीक है, हर आइट्रेशन पे हम बात करेंगे। सो 0 था, 0 के अंदर ए ऑफ आई यूज़र ने क्या इंटर की थी, फर्स्ट 3, तो सम के अंदर क्या चला गया, 3। अब जब दोबारा ये वैल्यू अब यहाँ पर आएगा तो फिर भी लूप चलेगा, ये वैल्यू फिर एग्जीक्यूट करेगी। सो हम लोग लिखे हैं सम इज इक्वल्स टू 3 प्लस, अब 3 क्या था, जो सम के अंदर स्टोर हुआ हुआ था, यानी कि हम लोग कह रहे हैं सम प्लस ए ऑफ आई, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो 3 था ये आपके पास यहाँ पर आ गया और ए ऑफ आई की अगली वैल्यू है 2, सो हमारे पास ये क्या हो गया, 5। और यहाँ पर नेक्स्ट आइट्रेशन में 5 प्लस, ठीक है, जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, क्योंकि सम की वैल्यू यहाँ पर सम होती जा रही है, और ए की अगली वैल्यू है फिर 2, सो हमारे पास 7 हो गया यहाँ पर, देन 7 प्लस। अब देखें ए की जो ए ऑफ आई की अगली वैल्यू है, यानी कि ए ऑफ आई की 3 जो वैल्यू है वो यहाँ पर 3 है, सो फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारे पास 10, देन सम, सो 1 2 3 4 और 5 टाइम्स आइट्रेशन हमारे पास चला रही हैं, क्योंकि लूप आपके पास कितने टाइम्स चल रहा है, 5 टाइम्स, क्योंकि 0 1 2 3 4, ठीक है, तो हमारे पास 5 टाइम्स जो है वो चल रहा है। अब ये फर्स्ट आइट्रेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आइट्रेशन। अब फिफ्थ आइट्रेशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 प्लस 1, दैट इज 11। और जब लूप ख़त्म हो गया, सो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा सी आउट सम, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा सम इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम लोगों ने लिखा सम। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, ये चीज़ ख़त्म हो गई और यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ आया होगा सम इज इक्वल्स टू, ये देखें मेमोरी में हमारे पास वैल्यू हो गई है 11। सो इन दिस वे, ये देखें हमारे पास काफ़ी आसान हो गया, बाय यूजिंग लूप हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, इसको इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये प्रोग्राम जो है वो अच्छा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह और बाकी डिटेल में इसके जो वन डायमेंशनल एरे के कुछ और प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे और इंशाल्लाह से हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे टू डायमेंशनल एरे के ऊपर। अल्लाह हाफिज़।